मिसाल कर दीजिए हमारी खासी। झुंझुनू के काजीवाड़ा निवासी हनुमान प्रसाद खीजी इंसानियत की अनूठी मिसाल है। हनुमान प्रसाद की नेकी के कारण आज एक युवक अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ, 16 साल पहले दुकान चलाने वाले हनुमान सिंह के पास एक 8-9 साल का बच्चा मिठाई चॉकलेट लेने के लिए आता था। हनुमान प्रसाद इस बच्चे की मासूमियत से काफी प्रभावित हुए और एक दिन उन्होंने बच्चे को अपनाने की ठान ली। दरअसल यूपी निवासी मोहम्मद शाहिद नाम के इस बच्चे की माँ की मौत हो गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद एक ठेकेदार उसे काम के लिए झुंझुनू ले आया। हनुमान प्रसाद ने 2 बच्चे होने के बावजूद शाहिद को राहुल नाम देकर अपने तीसरे बच्चे की तरह पाला। हनुमान प्रसाद ने शाहिद को मकान बनाकर दिया, उसे काम पर लगाया और जब शादी की बात आई तो बकायदा मुस्लिम लड़की से उसका निकाह कराया। छोटा सा बच्चा आया था मेरे घर में रहता और रहता रहता मेरे से दिल मिल गया। फिर मैं वकील में बड़ा हो गया तो इसका कोई शादी का प्रोग्राम देखा तो मैंने इधर उधर ट्राई करी, मेरे को अच्छा सा इसका रिश्ता मिल जाए, अच्छी अच्छा इसका बर्ताव हो जाए तो इसकी जिंदगी बढ़िया बन जाए और करने वाला मौका मिल गया। पूरी परवरिश की अच्छे से अपने बच्चे की तरह रखा और फिर उन्होंने पूछा भाई ब्याह शादी के लायक हो गया अभी, ब्याह शादी किसमें करेगा, हमने कहा मुस्लिम में करेंगे। और उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए भी पूछा हमसे तो उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया भी है थोड़ा बहुत, उन्होंने शादी किया बहुत बड़ी खुशी की बात है मालूम की। हनुमान प्रसाद ने निकाह से पहले बार मेहंदी से लेकर मंगल गीत तक हिंदू परंपरा अनुसार सभी रीति रिवाजों को निभाया, लेकिन दूल्हे बने शाहिद उर्फ राहुल की इच्छा अनुसार मुस्लिम धर्म के मुताबिक उसका निकाह करवाया। स्कूल ईदगाह रोड पर लोगों की मौजूदगी में शहर काजी ने निकाह की सभी रस्में पूरी की। हिंदू परिवार में पला बड़ा हुआ, जवान हुआ और हिंदू परिवार ने इसकी शादी की है और मुस्लिम परिवार ने शादी की है और ये एक भाईचारे की मिसाल है, एक बहुत खुशी की बात है और ऐसा भाईचारा जो है वो हमें हमारे अल्लाह से दुआ है कि ऐसा भाईचारा हमेशा बना रहे। मुझे चला दिया ना।